हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए है ना जीके एंड जीएस का मिशन 10,000 प्लस यानी 1,000 प्लस क्वेश्चन लेकर के आए हैं ना, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए मतलब एयरफोर्स वाई रग्गा के लिए है ना, और कोस्टगार्ड डीवी जीडी यांत्रिकी स्टेज वन के लिए है, और नेवी एमआर एसएसआर है ना, और डबल ए एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको 25-25 क्वेश्चन करके हम बहुत जल्दी आप लोग के एग्जाम से पहले इसको मतलब करा दिया जाएगा, ठीक है। और हमारा एक प्लेलिस्ट पे मॉक टेस्ट का वीडियो है 1 से 23 तक है ना, वो भी क्या है नेवी एमआर एंड कोस्ट गार्ड के लिए और एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देखते रहिए, ठीक है। और ये तो मतलब ये हम अलग से 1,000 प्लस क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको कराने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, है ना। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था बताइए, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा 1853 में हुआ था, है ना। इसका जो सही आंसर 1853, ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 1853 में हुआ था, ठीक है। और इसको किसने चलाया था, तो डलहौजी ने चलाया था, ठीक है। यहां से ये आपको क्लियर हुआ। अब आगे है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, है ना। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, और वो किया था दादा भाई नौरोजी ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ, दादा भाई नौरोजी ने कब किया था, ये किया था 1868 ईस्वी में, ठीक है। और किसने बताया था, प्रति व्यक्ति आय उस समय 20 रुपया, प्रति व्यक्ति आय भारत के लोगों को बताया था 20 रुपया, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश का आर्थिक विकास है ना, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है बताइए। किसी देश को अगर आर्थिक विकास यानी उसको विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो किस पर निर्भर करेगा। देखिए, ये निर्भर करता है आपका प्राकृतिक संसाधन है ना, और बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, ये सब पे निर्भर करते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर ऑल ऑफ एबव यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है ना, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है आप बताइए। ये क्वेश्चन हमने पिछले जो 1 से 23 तक मॉक टेस्ट किया है उसमें भी बताया हमने कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है कहाँ है, ठीक है। तो देखिए, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है ऑप्शन नंबर बी यानी जनेवा में है, ठीक है। अगर आपको कोई यहां तक दिक्कत है तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, और वीडियो को पॉज करके आप इस टेस्ट को लगाइए, ठीक है। और जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट है इसमें कि हम लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड जिसमें डीवी जीडी यांत्रिकी आता है उसके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया है, ठीक है, जिसमें 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको 10 सेटों में डिवाइड किया गया है ना, मतलब यानी एक सेट में आपके 16 क्वेश्चन है, इसको इसमें 10 सेट आपको दिया गया है, जिसको पूर्ण रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिकी के सिलेबस के आधार पर बनाया गया है, जिसमें इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, साइंस के 10 क्वेश्चन है, और जीके के 5 क्वेश्चन है, और मैथ के 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है ना। अगर आपने इसको कर लिया तो आपकी 90% यानी 90% की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी, लगभग 90% की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी, और इसका जो प्राइस है बिल्कुल ही कम है ना। और आपको लेना है, और अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से ले सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा बताइए। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह जोगियाघर सप्पर जलप्रपात है ना, ये जो है सरावती नदी पे है, सरावती नदी पे है और कर्नाटक में है ना, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, देखिए चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, है ना। ऑप्शन नंबर बी, भारत में चावल का कटोरा जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। और बोल देगा चीनी का कटोरा है ना, चीनी का कटोरा बोला जाता है यूपी को, यानी उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा बोला जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश और चीनी का कटोरा जो है यूपी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया है ना। देखिए, पहली बार परमाणु बम जो फेंका गया था वो कहाँ फेंका था, ये फेंका गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ठीक
यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था उस समय इसको फेंका गया, तो सबसे पहले फेंका गया था अपन हिरोशिमा पे, और कब फेंका गया था, 6 अगस्त है ना 1945 को फेंका गया था, और इसका नाम था है ना लिटिल मैन, लिटिल बॉय नाम था, सॉरी लिटिल बॉय। और उसके बाद फेंका गया नागासाकी, यानी 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था, ठीक है, और इसका नाम था फैट मैन, ठीक है। तो यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है, बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में, है ना, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बताइए। ये तो फेमस क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अब चलते हैं आगे, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, यानी जो डेसिबल है ना, डेसिबल का संबंध किस इनमें से किससे संबंधित है। तो डेसिबल्स क्या मापा जाता है, ध्वनि मापी जाती है, यानी ध्वनि मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा शांति घाटी, ये तो मतलब एग्जाम में भी पूछ चुका है आप लोग का कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, यानी साइलेंट वैली लोकेटेड, साइलेंट वैली घाटी जो यानी शांत घाटी जो है कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है केरल में, ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक है। तो चलते हैं आगे, सुनामी का मुख्य कारण क्या है, अगला क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है हमारा, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए सुनामी का मुख्य कारण जो होता है समुद्री सतह पर आने वाली भूकंप, यानी समुद्री सतह पर जब भूकंप आती है तब तो हम उसे क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, ठीक है, और पृथ्वी पर जब आती है तो उसे हम भूकंप बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला है इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे, यानी इंसुलिन का खोज किसने किया था, अब बताइए इसका जो सही आंसर हो क्या होगा, है ना। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंटिंग ने, ऑप्शन नंबर ए बैंटिंग ने किया था, ठीक है, और इनका पूरा नाम था ग्रांट बैंटिंग, ग्रांट बैंटिंग नाम था, बैंटिंग, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब चलते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन गैस नहीं है, बताइए किस गैस का प्रयोग हम ईंधन के रूप में नहीं करते हैं, इनमें से सभी क्या करते हैं, भाप अंगार का करते हैं, प्रोड्यूसर गैस का करते हैं, मार्स गैस का करते हैं, मार्स यानी मीथेन इसे बोला जाता है, और N2O यानी हाथ से गैस का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, इसमें ईंधन नहीं है और हाथ गैस यानी N2O जो है हमारा ईंधन गैस नहीं, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो चलते हैं आगे, अगला है रिचर स्केल, यानी रिएक्टर स्केल भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है, रिचर स्केल किसके मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो रिचर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। देखिए आप लोग अगर सेट लगाना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इस सेट को लगाइए, और जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, इस प्रकार से हम मतलब 100 यानी 100+ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरह से क्वेश्चन लाते रहें, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, डायनामाइट, और देखिए डायनामाइट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबल को, है ना, ऑप्शन नंबर सी डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन हमारा कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, जब हम बर्फ को दबाते हैं, जब दो बर्फ को आपस में दबाया जाता है उसके गलनांक पे क्या असर पड़ता है, तो उसका गलनांक क्या होगा, घट जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हुआ, बर्फ को दबाने पर उसका गलनांक क्या होगा, घट जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब चलते हैं आगे, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी मतलब किसकी सहायता से, ठीक है, किसकी सहायता से चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं, तो देखिए ये जो है इन्हें मतलब अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है, अल्ट्रासोनिक तरंग जो होती है, इसकी सहायता से क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, चमगादड़ जो होते हैं ना, बैट जो होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, देखिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड है इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए इसको हम बोलते हैं ग्रह, ऑप्शन नंबर ए, ये जो हमारा सूर्य हो गया इसके चारों तरफ क्या होंगे, चारों तरफ जो पिंड होते हैं वो घूमते रहते हैं,
उसे क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। कुल ग्रहों की संख्या जो है कितनी, 8 है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब चलते हैं आगे, इसी से संबंधित है, ग्रहों के नियम को किसने दिया था, है ना, ग्रहों के नियम को प्रतिपादित किसने किया, आप बताइए। ग्रहों के नियम को प्रतिपादित किया था केपलर ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। ठीक है, ग्रहों के नियम के प्रतिपादन किया केपलर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अब चलते हैं आगे, अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, यानी अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान की जाती है, बताइए। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस खेल से, ये तो सभी लोग जानते होंगे, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो दिया जाता है खेलकूद में दिया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से खेलकूद में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, आप बताइए। अर्जुन पुरस्कार ये भी, ये हमने बता चुका है, पहले जो 1 से 20, 23 तक जब सेट कराया था उसमें भी ये बताया था कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है, 1961। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ये भी बता दिया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो वो किया था दयाराम साहनी ने, यानी राय बहादुर दयाराम साहनी उनका नाम था, और कब किया था, 1921 में किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि तराइन का प्रथम युद्ध, सबसे पहले ये देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आप बताइए कमेंट में, आप बताइएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, और अब हम बता देते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, यानी किनके बीच लड़ा गया था, बताइए। देखिए, तराइन का जो द्वितीय, सॉरी, प्रथम युद्ध था, है ना, फर्स्ट बार, ये कब लड़ा, किसके बीच लड़ा गया था, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ना, लास्ट 25 क्वेश्चन, कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ, यानी विधवा कानून, विधवा पुनर्विवाह जो कानून है वो कब बनाया गया, ये बनाया गया था 1856 में, 1856 ईस्वी में, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। मैं ऐसा करता हूँ, आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और इसी तरह से हम 100+, ठीक है, 100+ क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम से पहले, हाँ 1000+, 1000+ क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, और 25-25 का सेट रहेगा हमारा इसी तरह से, और आज के लिए बस इतना ही, और फिर कल आगे फिर मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ। देख लीजिए इसको, एक और इंपॉर्टेंट बात, आप अगर भी इस बुक को खरीदना चाहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, और फॉर्म अप्लाई किया है, अब इस बुक को जरूर खरीदें और सेट लगाइए, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि आपका, है ना, मतलब आपके पूर्ण सिलेबस के आधार पर बनाया गया है इसको, इसलिए आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, जिसमें 25 क्वेश्चन के, आप अपना मार्क्स शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा किसका कितना मार्क्स आया।